सूचना और जनसंपर्क महानिदेशालय ने आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली को सूचित किया है कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की महाविकास आघाड़ी की सरकार ने पिछले 16 महीनों में प्रचार अभियानों पर 155 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। सोशल मीडिया पर करीब 5.99 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। ठाकरे सरकार प्रचार अभियानों पर हर महीने 9.6 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। अनिल गलगली ने सूचना एवं जनसंपर्क महानिदेशालय से महाविकास आघाड़ी सरकार के गठन के बाद से प्रचार अभियान पर हुए विभिन्न खर्च की जानकारी मांगी थी। सूचना एवं जनसंपर्क महानिदेशालय ने अनिल गलगली को 11 दिसंबर 2019 से 12 मार्च 2021 तक 16 महीनों में प्रचार अभियान पर हुए खर्च की जानकारी दी। इसमें वर्ष 2019 में 20.31 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, जिसमें सबसे अधिक 19.92 करोड़ रुपए नियमित टीकाकरण अभियान पर खर्च किया गया है। वर्ष 2020 में 26 विभागों के प्रचार अभियान पर कुल 104.55 करोड़ रुपए खर्च किए गए। महिला दिवस के मौके पर प्रचार प्रसार अभियान पर 5.96 करोड़ रुपए खर्च किए गए। पद्म विभाग पर 9.99 करोड़ रुपए। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन पर 19.92 करोड़ रुपए। चार चरणों में विशेष प्रचार अभियान पर 22.65 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। इसमें 1.15 करोड़ रुपए की कीमत सोशल मीडिया पर दिखाई गई है। महाराष्ट्र शहरी विकास मिशन पर 3 चरणों में 6.49 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। आपदा प्रबंधन विभाग ने चक्रवात पर 9.42 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, जिसमें से 2.25 करोड़ रुपए सोशल मीडिया पर दिखाए गए हैं। राज्य के स्वास्थ्य शिक्षा विभाग ने 18.63 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। शिवभोजन का प्रचार अभियान हुआ, जिसमें 20.65 लाख के खर्च में सिर्फ सोशल मीडिया पर 5 लाख का खर्च दिखाया गया है। वर्ष 2021 में 12 विभागों ने 12 मार्च 2021 तक 29.79 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। राज्य के स्वास्थ्य शिक्षा विभाग ने एक बार फिर 15.94 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। जल जीवन मिशन के प्रचार अभियान पर हुए खर्च में 1.88 करोड़ रुपए में से सोशल मीडिया पर 45 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग ने 2.45 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, जिसमें से 20 लाख रुपए सोशल मीडिया पर खर्च किए हैं। अल्पसंख्यक विभाग ने 50 लाख रुपए में से 48 लाख रुपए सोशल मीडिया पर खर्च किए हैं। जन स्वास्थ्य विभाग ने 3.15 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, इसमें 75 लाख का खर्च सोशल मीडिया पर बताया गया है। अनिल गलगली के अनुसार यह आंकड़ा और अधिक हो सकता है, क्योंकि सूचना एवं जन संपर्क महानिदेशालय के पास 100% जानकारी नहीं है। सोशल मीडिया के नाम पर किया जाने वाला खर्च संदिग्ध है। इसके अलावा क्रिएटिव के नाम से दिखाए जाने वाले खर्च की गणना कई तरह की शंकाओं को जन्म दे रही है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लिखे पत्र में गलगली ने मांग की है कि सरकार विभागीय स्तर पर होने वाले खर्च का ब्यौरा और लाभार्थी का नाम वेबसाइट पर अपलोड करे। डीआरडी न्यूज के लिए राहुल पांडे की रिपोर्ट। ठाकरे सरकार ने पिछले 16 महीने में विज्ञापन और अपनी प्रसिद्ध की अभियान पर करीब 155 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। अगर हम इसे हिसाब करते हैं तो हर महीने उन्होंने 9.66 करोड़ रुपीस ये अपने अलग अलग विज्ञापन और अपने प्रसिद्ध अभियान पर खर्च किए हैं। सबसे ज्यादा खर्चा उन्होंने सोशल मीडिया पर भी किया है, उसकी रकम 6 करोड़ से भी अधिक है। अगर हम कुल मिलाकर देखेंगे तो इन्होंने जो विज्ञापन सोशल मीडिया क्रिएटिव के नाम पर जो 155 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, उसकी जांच होने की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा पैसे खर्च हुए हैं। जैसे कि अल्पसंख्यक विभाग, उन्होंने 50 लाख रुपए खर्च किए हैं, उसमें 48 लाख रुपए उन्होंने सोशल मीडिया पर खर्च किए हैं। कोरोना के नाम पर जब उन्होंने 3.25 करोड़ रुपया खर्च किए, उसमें 75 लाख रुपए ये उन्होंने सोशल मीडिया पर खर्च किए हैं। सोशल मीडिया पर किया हुआ खर्च संदेहास्पद है। इसके अलावा क्रिएटिव के नाम पर जो उन्होंने अलग अलग खर्च बताया है, उसकी भी जांच होने की आवश्यकता है। हमने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को चिट्ठी लिखकर मांग की है कि उन्होंने जो आज तक पैसा खर्च किया है, उस विभाग का नाम, खर्च का ब्यौरा और कुल रकम, इसकी जानकारी अगर वेबसाइट पर अपलोड करते हैं
तो निश्चित तौर पर आम लोगों को भी पता चलेगा किस विभाग ने कितने पैसे खर्च किए हैं। मेरी इतनी मांग है कि विज्ञापनों के आड़ में सोशल मीडिया क्रिएटिव के नाम पर जो उन्होंने करोड़ों रुपया पानी के तरह बहाया है उसकी जांच होने की आवश्यकता है।